अंकल जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा सतीश, आज सुबह सुबह मेरे को कुछ बात करनी है आपसे। अरे बेटा बैठ जा, बैठ के बात कर ले। अंकल अच्छा इस महीने किराया देने में दिक्कत है तुझे? नहीं अंकल, किराया तो मैं लेकर आया हूँ, ये आपका किराया। अरे वाह वाह, सुबह सुबह लक्ष्मी आ गई। तो दिक्कत क्या है बेटा, बता। अंकल वो बोलते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि बेटा सतीश बैठ, तुम कुंडी लगा लेते। नहीं अंकल आप बैठो, कोई इतनी प्राइवेट बात भी नहीं है कि कुंडी लगानी पड़े। तो गांव जा रहा है क्या? नहीं अंकल मैं गांव नहीं जा रहा। तो नौकरी छूट गई तेरी? नहीं नहीं अंकल, नौकरी तो बहुत अच्छी चल रही है, अभी पिछले महीने मेरा इंक्रीमेंट भी हुआ है। तो फिर बात क्या बेटा, बात बता। अंकल वही मैं कह रहा था कि मैं कैसे बोलूं, आपको अजीब सा लगेगा। अरे नहीं नहीं बेटा सतीश, मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, तू बोल तो सही। अंकल मैं कमरा खाली कर रहा हूँ। मैं पहले कह रहा था अंकल आपको अजीब लगेगा। क्यों खाली कर रहा बेटा तू? अंकल वो ही सोच रहा हूँ कि मैं बोलूं कैसे। अरे मुंह से बोलेगा बेटा, और कैसे बोलेगा। अंकल वो मेरा जो ऑफिस है ना, वो थोड़ा दूर चला गया है। कहाँ चला गया? ये अपना गुड़गांव। बेटा देख, अब तू गुड़गांव में परेशान हो रहा, भूल मत तू यहीं इसी कमरे से, तूने सोनीपत भी ड्यूटी करी थी, सोनीपत से तो पास ही है गुड़गांव। वो बात तो ठीक है, लेकिन अंकल कुछ दिक्कत ही ऐसी है कि सुन बेटा सतीश, तू ऐसा कर, ये 500 पकड़, जो तेरा पुराना किराया तू वही दे बेटा, तू बढ़ा हुआ किराया मत दे, ये पकड़। अरे नहीं नहीं अंकल, किराए में कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो फिर क्या दिक्कत है सतीश? बस, मैं समझ गया, तू कह नहीं पा रहा, तेरे को पानी की दिक्कत है। मैं तेरे लिए 500 लीटर की अलग टंकी बिठवा दूंगा, और बता। अरे नहीं अंकल, मेरे अकेले के लिए क्यों लगवाओगे आप? अच्छा अच्छा, तो बात है बेटा अब बिजली के बिल की, तू ऐसा कर बेटा 1 रुपए यूनिट कम दे दियो, और बता। अरे अंकल मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, अब शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं मुझे? ऐसा क्या मतलब हो गया, मतलब ऐसी कौन सी बात हो गई, क्या दिक्कत हो गई, बता तो सही, खुल के बोलना बेटा। बगल वाली भाभी है ना? अच्छा अच्छा, रजनी की बात कर रहा है तू? हाँ हाँ। बड़ी संस्कारी है बहू, वो बहुत संस्कारी है, कभी उसकी शिकायत नहीं सुनी। क्या वो तुझसे कुछ उल्टा बोल दिया क्या उसने? उनका फोन आया था अंकल। अच्छा अच्छा, फिर गाजियाबाद स्टेशन पे खड़ी है। अच्छा कोई आ रहा होगा गाँव से? आ नहीं रहा, जा रहे हैं। कौन कौन? मैं और रजनी। अंकल ये ना कमरे की चाबी है, मुझे सरथाने से ना पुलिस वाले को फोन आया था, वो आ रहे हैं मुझे लेने, मैंने कहा आप संभाल लेना वह। अरे सतीश अंकल मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता चला कब सेटिंग हो गई। अरे सतीश, मेला राम का पिछवाड़ा लाल कर देगी पुलिस तेरी इस करतूत के चक्कर में। अरे सुनती हो, ये सतीश तो आस्तीन का सांप निकला, ये परवीन की लुगाई जो है रजनी, उसी को लेकर भाग रहा है। पुलिस वाले आएंगे, संभाल लेना प्लीज राम राम। अरे तेरे राम राम के चक्कर में राम नाम सत्य हो जाएगा, मेला राम का मर गए क्या कि तुम बाहर करने निकल रही हो? अरे बाहर मत निकलना, पुलिस आ गई हमारे घर के बाहर, तुम अंदर कुंडी लगा लो, मैं भी कहीं चुपता हूँ। अरे कहाँ चुपू सतीश, तूने तो मरवा दिया यार।